जय मसीह की। आप सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में विलियम केरी, जॉर्ज मुलर और साधु सुंदर सिंह के बारे में बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन है, उसमें आप कृपया जाकर अधिक जानकारी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हडसन टेलर के बारे में जानेंगे। मैं आपसे कृपया विनती करता हूँ कि वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों और मेहमानों को इस चैनल को शेयर कीजिए। जेम्स हडसन टेलर बांसले के छोटे शहर के इंग्लैंड के गांव में इनका जन्म हुआ था। वह बचपन से लेकर इस संसार में आनंद करने में पसंद करते थे। एक बार उसकी माँ ने 80 मील की दूरी से जेम्स हडसन टेलर की उद्धार के बारे में प्रार्थना करने लगी। उसी समय हडसन टेलर ने एक पुस्तक पढ़ा और उस पुस्तक में हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में पढ़कर वहाँ खुद यीशु मसीह का विश्वासी बना, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद एक दिन हडसन टेलर ने यीशु मसीह का दर्शन को पाया। उसने एक शब्द सुना, तुम मेरे लिए चाइना को जाओ। हडसन के पिताजी ने भी हडसन के जन्म से पहले ही अपने बेटे को चाइना को मिशनरी की तरह भेजने में आशा रखते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हडसन के जीवन में उनके पिताजी के प्रार्थना को सुनकर इस वादा को पूरा किया। हडसन टेलर चाइना को जाने के लिए चाइनीज भाषा को सीखने की कोशिश किया और चाइना में सेवा करने के लिए वैज्ञानिक चिकित्सा को भी सीखा है। वहां 16 महीने तक रॉबर्ट और हार्डी के साथ काम किया और उसने अनुशासन, विश्वास, त्याग और परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा है। वह सबसे कम चीजों से अपनी जरूरतों को पूरा करता था और परमेश्वर पर उन छोटी सी चीजों में भी विश्वास से जीना सीखा है। एक बार अपने वेतना के समय डॉक्टर हार्डी ने हडसन को वेतना देना भूल गया। उस समय हडसन के हाथ में 2.5 शिलिंग थे। जब हडसन अपने हाथ में 2.5 शिलिंग लेकर एक रास्ते से गुजर रहा था, उसने एक गरीब आदमी को भीख मांगते हुए देखा। उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और 4 बच्चे बैठे हुए थे। हडसन ने सोचा कि अगर मुझे विश्वास है तो मुझे इसे कामों में दिखाना चाहिए। इसीलिए उसने अपने पैसे को उस गरीब आदमी को दे दिया और हडसन टेलर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैंने आपको कर्ज दिया है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कृपया इसे जल्दी दीजिए। अगले दिन सुबह एक अद्भुत रीति से पोस्टमैन ने एक पत्र लाया और उसमें 4 गुना पैसा जो उसने उस गरीब आदमी को दिया था मनी ऑर्डर में देखा है। हडसन ने कहा, यह बहुत अच्छा बैंक है, अब से मैं इस बैंक में अपना पैसा जमा करूंगा। गरीब आदमी की जरूरत पूरी हुई और मैंने अपना विश्वास को बचाया है। बाद में वहाँ हाल के गांव से वैज्ञानिक चिकित्सा को सीखने के लिए लंदन गया। हडसन ने फैसला किया कि मैं चाइनीज इवेंजेलिकल सोसाइटी के द्वारा चाइना को मिशनरी की तरह जाऊंगा। उसी समय चाइनीज इवेंजेलिकल सोसाइटी ने हडसन को वादा किया कि वहाँ उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उसकी सेवकाई की मदद के लिए चाइना देश को भेजेंगे। और हडसन के पिताजी ने भी उससे जवाब दिया कि वहाँ हडसन की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया कि तुम्हारा ज़रूरतों का ख्याल मैं रखूँगा। उसने परमेश्वर की इच्छा को जानकर नाव में चाइना देश को जाने के लिए 5.5 महीने यात्रा किया। उस समय चाइना में युद्ध था और उसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन वह निराश नहीं हुआ बल्कि उसने 5 घंटे चाइना भाषा को सीखने के लिए समय बिताया। जब चाइनीज इवेंजेलिकल सोसाइटी ने भुगतान देने में असमर्थ निकला, तब हडसन टेलर ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ एक स्वतंत्र मिशनरी बन गया। अपनी ज़रूरतों को पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। उसके पास रहने के लिए अच्छा आवास नहीं था और अच्छा भोजन नहीं था और उसका स्वास्थ्य खराब होता था, लेकिन हडसन ने जाना कि परमेश्वर मुझे एक एक कदम ही आगे बढ़ा रहा है। एक बार हडसन निंगपो गांव को गया और वहां एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किया। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया और उसने हडसन से एक सवाल पूछा, तुम्हें परमेश्वर का वचन कितने साल से मालूम है? और हडसन टेलर ने इस तरह जवाब दिया, कुछ सैकड़ों साल से। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप सैकड़ों साल से इस सुसमाचार अपने आप में छुपाया है?
मेरे पिताजी सत्य को ढूंढने वाला व्यक्ति है। वहाँ 20 साल तक सच्चाई की तलाश लगाते लगाते यीशु मसीह को बिना जाने ही मर गया और उसकी पीढ़ी के लोग भी उसी तरह गुजर गए। आप क्यों पहले ही नहीं आए? यह बात हडसन के हृदय में तीर की तरह छेदा गया। तब से हडसन टेलर फैसला किया, इस सारे चाइना के देश में परमेश्वर का वचन को प्रचार करूंगा। परमेश्वर की इच्छा और बड़ों की अनुमति से हडसन टेलर ने मरिया डेयर से विवाह किया। वे दोनों मिलकर चाइना में बीमार लोगों को चिकित्सा करना और सुसमाचार प्रचार करते थे। बहुत सारी यात्राओं और परमेश्वर की सेवा के कारण हडसन टेलर अक्सर बीमार पड़ता था। 7 साल की सेवकाई के बाद हडसन टेलर एक बार बहुत बीमार पड़ा। उस समय वहाँ इंग्लैंड को वापस जाना पड़ा। जब वह लंदन में था तब उसने अपने कमरे में चाइना की नक्शा को रखा और 11 राष्ट्रों और 38 करोड़ चाइनीज लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उसे 24 मिशनरियों की जरूरत है और वहाँ चाइना इनलैंड मिशन को शुरू करना चाहता था। 11 महीने की प्रार्थना की बाद परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। 16 मिशनरियों के साथ फिर से इंग्लैंड से लेकर चाइना को वापस गया। परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को आशीर्वाद दिया और हडसन टेलर ने चाइना इनलैंड मिशन को शुरू किया। 20 साल के बाद 220 मिशनरी इस चाइना इनलैंड मिशन में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कामों में अपना जीवन को समर्पण करना सीखा है। निंगपो में हडसन टेलर ने एक छोटा कलीसिया को बांधा, उसमें 21 सदस्यों के साथ शुरुआत किया। हडसन को कई नुकसानों का सामना करना पड़ा और 12 साल के शादी के जीवन के बाद उसने अपने 2 बच्चे और पत्नी बीमार के कारण मर गए। वहाँ अपनी सेवकाई की जरूरतों को किसी व्यक्ति को नहीं बताता था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर पर निर्भर हुआ और अपनी सारी जरूरतों के बारे में प्रभु को बताता था। हडसन टेलर ने परमेश्वर के पास विश्वास का पाठ सीखा है। हडसन टेलर ने कहा कि यह बड़ा स्वतंत्रता मिलता है जब हम परमेश्वर की सेवा में लोगों के बजाय उस पर निर्भर करते हैं। हम मानव शक्ति से परमेश्वर की सेवा का निर्माण नहीं कर सकते। जो लोग परमेश्वर पर निर्भर करते हैं वहाँ परमेश्वर की सेवा में छिपी हुई धाराओं को ढूंढते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता को बिना किसी संदेह से मानता है, उसी तरह हडसन टेलर ने भी अपने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया। आज कहा जाता है कि चाइना में 60 मिलियन ईसाई है। कई लोग हडसन टेलर को अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में देखते हैं। आज परमेश्वर आपसे इस छोटी सी संदेश के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए यदि आपको समर्पण है, यदि आपको बुलावट है, तो हडसन टेलर की तरह आप भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आशीषों को पाइए। परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के तरीके से किए गए परमेश्वर के काम में कभी भी परमेश्वर की आपूर्ति की कमी नहीं होगी। हडसन टेलर के जीवन के द्वारा हम जान सकते हैं कि आज कई ईसाई लोग चाइनीज भाषा में यीशु मसीह की आराधना करते हैं, लेकिन उन सब लोगों का मूल पिता परमेश्वर ने हडसन टेलर को बनाया है। हडसन टेलर की लंबी सेवकाई में हमने कई बातों को सीखा है। परमेश्वर पर विश्वास करना, हर एक मुसीबत परिस्थितियों को जीत कर आगे बढ़ना, यीशु मसीह पर प्रेम और परमेश्वर की दूसरे आगमन के बारे में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार का उपदेश सुनाने के लिए हडसन टेलर ने चाइना इनलैंड मिशन को स्थापित किया। आज हम चाइना देश में कई ईसाइयों को देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का कारण है हडसन टेलर। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है और आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप भी हडसन टेलर की तरह परमेश्वर पर आधार होकर मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से आपकी सारी ज़रूरतों को बताइए और परमेश्वर आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करेगा। परमेश्वर की इच्छा हो तो और भी कई मिशनरियों की कहानियों के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।